अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ 481 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड गेस्ट पेपर। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं, जिसकी वजह से इनके आने के चांसेस 100% होते हैं। अगर आप लोग इनकी प्रिपरेशन अच्छे से करोगे तो एग्ज़ाम में 80% मार्क्स इजीली हासिल कर सकते हैं। वीडियो में आके जाने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और इसके साथ साथ आप लोगों को बताती चलूं, आप लोग अपनी पास्ट असाइनमेंट को लाजमी प्रिपेयर किया करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम इन्हीं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों में से आता है। और इसके साथ साथ अपनी लास्ट 5 ईयर के पास्ट क्वेश्चन पेपर उनको लाजमी देखा करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम इन्हीं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों में से आता है। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन स्कोप ऑफ एडिटिंग एंड डिस्क्राइब इट्स टेक्निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन वैल्यूएशन एंड डिस्क्राइब मेन ऑब्जेक्ट ऑफ करेक्ट वैल्यूएशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज अ फ्रॉड आल्सो एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट काइंड एंड एरर्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन वाउचिंग डिस्कस वाउचिंग टेक्निक्स एंड देयर एप्लीकेशन टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन द इंटरनल कंट्रोल एंड आल्सो डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिगार्डिंग वेरियस बिजनेस ऑपरेशंस और आइटम्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन वेरिफिकेशन एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिफिकेशन इन एडल्ट एंड इट्स बेसिक टेक्निक्स। या फिर ये ऐसे भी आ सकता है, राइट डिटेल्ड नोट्स ऑन आ वेरिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड शेयर ट्रांसफर्स एडल्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू नो अबाउट वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज एक्सप्लेन द वेरिफिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड करंट लाइबिलिटीज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन एडिट रिपोर्ट एंड डिस्कस इट्स टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डिस्क्राइब appropriation account, also explain the audit process of those accounts. Next question number 10 है, what are the ordinary methods by an auditor to review the internal control procedures of the client? Why internal control assessment useful for audit प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ शुड एन ऑडिटर वेरीफाई द शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ द लाइबिलिटीज वेरिफिकेशन ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफाइन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड आल्सो डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग अनक्वालिफाइड एडिट रिपोर्ट एंड क्वालिफाइड एडिट रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ इज द वेरिफिकेशन डिफरेंट फ्रॉम वाउचिंग डिस्कस वेरियस वेरिफिकेशन टेक्निक्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि हाउ वुड यू वेरीफाई द फॉलोइंग आइटम्स, लोन्स, डिबेटर्स एंड पेशेंट एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सप्लेन द लीगल लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग द वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सप्लेन द प्रोसीडर फॉर
वेरीफाइंग द फॉलोइंग अकाउंट, इनमें है ट्रेडिंग अकाउंट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के साथ 481 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड गेस पेपर शेयर किए हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कर दिया करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। और लास्ट में यही कहूँगी, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी और कामरानी से हमकनार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।